Assalamualaikum. Hope you are all safe and sound at your home. I am your math teacher, Ms. Kavel. Welcome in your math class. Student, today we will do exercise number 4. Subtract the following. So let's start. First question. Question number A. 9 minus 4 by 9. Subtraction. Whole number with fraction. It means, student, कि आपके पास यहाँ पर one side whole number given है and other side आपके पास fraction number given है. ठीक है, जब आपने इस तरह की form condition दी गई हो कि आपने whole number की subtraction find करनी है with fraction number के साथ, so first step, student, कि आपने whole number को fraction की form में लेके आना है. ठीक है, like 9 by 1, इसके आपने डिनोमिनेटर में आपने 1 राइट करना है. क्लियर, आपके पास कोई भी होल नंबर हो आपने उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपने उसके डिनोमिनेटर में 1 राइट कर देना है. क्लियर, नेक्स्ट 4 by 9 यू राइट एज इट इज. अब आपके पास ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो सी है वो आपके पास फ्रैक्शन गिवन है. क्लियर, अब स्टूडेंट्स ये आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन नंबर यानी गिवन है. अनलाइक फ्रैक्शन से मुराद ये है कि आपके पास इसके पास डिनोमिनेटर्स होते हैं वो डिफरेंट डिनोमिनेटर है. सबसे पहले आपने इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. लाइक फ्रैक्शन मीन कि आपने इनका डिनोमिनेटर सेम करना है. सो स्टूडेंट्स यू नाउ कि 1 को हम 9 बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, 1 × 9 = 9. सो वी मल्टीप्लाई विद नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. क्लियर, आपने जो डिजिट मल्टीप्लाई करवाना है अपना डिनोमिनेटर को सेम लाने के लिए, आपने नोमिनेटर के साथ भी वही डिजिट मल्टीप्लाई करवाना है और डिनोमिनेटर के साथ भी. क्लियर, 4 by 9 यू राइट एज इट इज. नाउ यू मल्टीप्लाई 9 × 9 = 81 एंड 1 × 9 = 9. माइनस 4 by 9 यू राइट एज इट इज. नो नेक्स्ट स्टेप, सेम डिनोमिनेटर, सो यू राइट 1 × 9 = 81 − 4 राइट नोमिनेटर. क्लियर, 81 − 4 = 77. क्लियर, 77 by 9 इट्स योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. 15 − 8 by 10. फर्स्टली स्टूडेंट यू कन्वर्ट होल नंबर इन टू द फ्रैक्शन फॉर्म, सो यू राइट डिनोमिनेटर 1. ओके, सबसे पहले जब भी हम होल नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट आपने इनके डिनोमिनेटर में 1 राइट करना है. क्लियर, नाउ दिस वन इज अनलाइक फ्रैक्शन, वी मेक लाइक फ्रैक्शन. इट्स मीन कि ये यहाँ पर डिफरेंस इनके डिनोमिनेटर्स हैं, हम लोगों ने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है. सो स्टूडेंट्स वी मल्टीप्लाई बाई 10 नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है, आपने नोमिनेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर के साथ आपने 10 को मल्टीप्लाई करवा देना है, बिकॉज कि आपने अपना डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना है 10 और 10. सो ये इसी कंडीशन में पॉसिबल है जब आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे. क्लियर, और जो आप डिनोमिनेटर के साथ स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवा रहे हैं डिजिट, आपने वही सेम डिजिट अपने नॉमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है. क्लियर, नेक्स्ट 15 × 10 = 150 एंड 1 × 10 = 10. माइनस 8 by 10 यू राइट एज इट इज. क्लियर, नाउ सेम डिनोमिनेटर, सो 150 − 8 by 10 यू राइट. नेक्स्ट 150 − 8 = 142 by 10. सो योर आंसर इज 142 by 10. क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी. सो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप यू राइट होल नंबर इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म. सो 6 by 1 यू राइट −2 by 5. नाउ सेम डिनोमिनेटर्स के करने के लिए स्टूडेंट आप 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से. इट्स मीन कि आप 6 को भी किससे करवाएंगे, 5 से. 6 by 1 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करवा देना है. क्लियर, अपने डिनोमिनेटर्स को सेम लाने के लिए. नाउ यू मल्टीप्लाई 5 × 6 = 30 एंड 5 × 1 = 5. माइनस 2 by 5 यू राइट
as it is. Now same denominator, so you write 1 time 5 and 30 minus 2 you write numerator. Clear? Now 30 minus 2 equal to 28 by 5. It's your answer. Okay students? Now question number C is complete. Now student, question number A, B, C is complete. D, E, F, do in your homework and do practice. Now take yourself. Allah Hafiz.